नमस्कार दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 मार्च को है शबरी जयंती। कौन थी माता शबरी और क्यों भगवान श्री राम को उसने अपने जूठे बेर खाने के लिए कहा, इसकी तमाम जानकारी आज हम आपको देंगे। रामायण में माता शबरी का जिक्र आता है कि भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में गए और वहां उन्होंने शबरी के हाथों से जूठे बेर खाए। तो ध्यान से सुनिए माता शबरी के बारे में। शबरी श्री राम की परम भक्त थीं। शबरी का असल नाम श्रमणा था। वह भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थीं, इसीलिए कालांतर में उनका नाम शबरी पड़ा। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई सौ पशु बलि देने के लिए लाए गए, जिन्हें देख श्रमणा बड़ी आहत हुई। इस कारण शबरी विवाह से एक दिन पूर्व घर से चली गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वह भील जाति की होने के कारण उसे अवसर ना मिलने का अंदेशा था। फिर भी शबरी सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम में नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। यह सब वे ऐसे करती थी कि किसी को इसका पता नहीं चलता था। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को शबरी दिख गई और वो उसकी सेवा से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मातंग का अंत समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें, वे उनसे जरूर मिलने आएंगे। मातंग ऋषि की मौत के बाद शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी, रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। बेर में कीड़े ना हो और वह खट्टा ना हो, इसके लिए वह एक एक बेर चख कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन शबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे समझ गई कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। उस समय तक वह वृद्ध हो चली थी, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उनमें चुस्ती आ गई और वो भागते हुए अपने राम के पास पहुंच गईं और उन्हें घर लेकर आईं और उनके पांव धोकर बिठाया, अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए और राम ने बड़े प्रेम से बेर खाए और फिर वे भगवान के धाम को चली गई।